हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षता, आप सभी की एजुकेटर, आप सबका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यूजीसी नेट 2024 पेपर वन प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पे एक मैराथन सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग का हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आज के सेशन नंबर वन में हम नंबर सीरीज ये पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंप्लीट कवरेज ऑफ द नंबर सीरीज इन ओनली वन सेशन। 50 क्वेश्चन इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगी, इसके बाहर का एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आपको पेपर वन का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा फुल सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यू, फुल सिलेबस के नोट्स जो कि आप मोबाइल फोन से भी इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 5000+ एमसीक्यू के क्वेश्चन बैंक। डेली लाइव लेक्चर्स कंडक्ट किया जाएगा स्टूडेंट हिंदी एज वेल एज इंग्लिश के अंदर। एंड इसी के साथ साथ नई बैच स्टार्ट हो चुकी है आज से ही 27 मई 2024। सो जल्दी से जो है कॉन्टैक्ट करके कोर्स को एनरोल कीजिए। फ्री वीडियोस एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। स्टोर आइकन के ऊपर क्लिक करना है, माय कोर्सेस पेज में कोर्स को सर्च कीजिए। कोर्स ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का ओवरव्यू मिलेगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री डेमो वीडियोस के फोल्डर्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो आपको करना मैंडेटरी है नंबर सीरीज के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए टर्म्स, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पहली बात तो ऐसे काउंटिंग नंबर्स जिनकी शुरुआत एक से होती है उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनकी शुरुआत एक से होती है। काउंटिंग नंबर्स जिनकी शुरुआत जीरो से होती है उसको बोला जाता है होल नंबर स्टूडेंट्स। सो ये जो मैं बता रही हूँ दिस इज इन्फिनिटी, मतलब काउंटिंग जहां पे खत्म भी नहीं हो रही वहां तक हम क्या बोलेंगे, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स जिनकी शुरुआत वन से होती है, होल नंबर्स जिनकी शुरुआत जीरो से होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसी संख्याएं जिनको हम सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नंबर जिनको हम दो नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ना, टू, टू एक ऐसा नंबर है या फिर ऐसी संख्या है जिसको हम एक से डिवाइड कर सकते हैं, दो से डिवाइड कर सकते हैं। तीन एक ऐसी संख्या है जिसको हम एक से डिवाइड कर सकते हैं, तीन से डिवाइड कर सकते हैं। पांच एक से डिवाइड कर सकते हैं, पांच से डिवाइड कर सकते हैं। सात एक से और सात से। सो ऑल दीज नंबर्स, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11 हो गया आपका, 13 हो गया, ये पूरे नंबर सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं, इनको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। सो आज का आपका होमवर्क रहेगा एक से लेके 100 तक के पूरे प्राइम नंबर्स आपको फॉर्मूला नोटबुक में लिख के लेना है। फॉर्मूला नोटबुक आई होप आप मेंटेन कर रहे हो, जिसका उपयोग आपको बाद में समझ जरूर आएगा, अभी नहीं। ठीक है, एग्जाम के पास जब आप रहोगे तब उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर मतलब ऐसी संख्या है जिनको हम दो से इजिली डिवाइड कर सकते हैं। देखना, टू, फोर हो गया, सिक्स, एट, टेन एंड सो ऑन, ये पूरे दो से डिविजिबल है। ऑड नंबर्स जिनको हम दो से डिवाइड ही नहीं कर सकते कंप्लीटली, वन, थ्री, फाइव, सेवन हो गया, नाइन हो गए, पूरे नंबर्स हो गए ऑड नंबर्स। अदर देन दिस आपको क्या पता होना चाहिए इसके अंदर विल बी स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स। स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स 30 तक के इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ना कि सिर्फ नंबर सीरीज के टॉपिक के अंदर बट कोडिंग डिकोडिंग में भी उसका इम्पॉर्टेंस है। सो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स कैलकुलेशन के लिए भी मदद करेगा, तो 30 तक करना ही करना है। ठीक है, अगेन फॉर्मूला नोटबुक में इसको लिख के लेना है। टेबल्स तो कंपल्सरी है, क्योंकि टेबल्स अगर आप करोगे 25 तक मिनिमम, मैक्सिमम 30 तक, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो इसको एक बारी प्लीज देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। प्राइम नंबर्स एक से 100 करना ही है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स 30 तक करना ही है, टेबल्स 25 मिनिमम, मैक्सिमम 30 करना ही है, इसके बाहर का एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पे करनी है। अभी नंबर सीरीज के अंदर जो ट्रिक आपको फॉलो करनी है वो बताऊंगी। अभी कोई भी सीरीज आपको दी होगी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे क्या करना है उसको आराम से देखना है। जैसे कि नंबर सीरीज एक तो इंक्रीजिंग पैटर्न में या फिर डिक्रीजिंग पैटर्न में दी होगी, या फिर कभी कभार एक मिक्सचर भी रहेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न का एक ही सीरीज के अंदर। एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न हो सकता है एक कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी क्या होगी स्टूडेंट्स, जहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों एक साथ दिया होगा। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग पैटर्न है सिर्फ इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे एडिशन का लॉजिक आएगा,
या फिर मल्टीप्लीकेशन का। एडिशन का कब आएगा और मल्टीप्लीकेशन का कब आएगा वो भी देखना। एडिशन अगर स्लोली ग्रेजुअली स्लोली आराम से सीरीज अगर बढ़ रही है तो एडिशन का लॉजिक आएगा, अगर एकदम से सीरीज बढ़ रही है या फिर इंक्रीज हो रही है तब मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक आएगा। अदर देन दिस यहाँ पे स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स का भी लॉजिक आ सकता है। डिक्रीजिंग पैटर्न में अगर स्लोली डिक्रीज हो रहा तो सब्स्ट्रैक्शन का लॉजिक आएगा, अगर एकदम से डिक्रीज हो रहा हो तो डिवीजन का भी लॉजिक इसके अंदर आ सकता है, और इसके अंदर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का लॉजिक आ सकता है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको करना है और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखना, 23 से लेके 28 तक जा रही हूं मैं, ठीक है। सो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है देखिए, पहले बात तो क्वेश्चन नंबर 1, 23 से लेके 28 एकदम स्लोली जो है आपकी सीरीज बढ़ रही है, फिर 34 आ रहा है फ्रेम के अंदर, फिर आ रहा है 41, फिर आ रहा है 49। देखना 23 में अगर मैं 5 ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 28, 28 में अगर मैं 6 ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 34, 34 में 7 ऐड करूँ तो 41, 41 में 8 ऐड करूँ तो 49। सो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, क्या ऐड करने के बाद मिलेगा स्टूडेंट्स, 5, 6, 7, 8 ऑब्वियसली, प्लस 9 कर दो आपको आपका आंसर मिलेगा। सो 49 के अंदर अगर मैं 9 ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 58, 58 इज द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। इस तरीके से हम एक एक करके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे आपको अगेन ग्रेजुअल इंक्रीमेंट ऑफ द सीरीज दिया है। ग्रेजुअल मतलब क्या, स्लोली सीरीज जो है इंक्रीज हो रही है। 5, 11, फिर आ रहा है 17, फिर आ रहा है 25, फिर आ रहा है 33, फिर 43, नेक्स्ट आंसर क्या आएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखना, 5 के अंदर अगर मैं 6 ऐड करूं, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 6 ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 11 मिल रहा है, ठीक है। 11 के अंदर अगर फिर से मैं 6 ऐड करूं मुझे क्या मिलेगा, 17, ओके, 17। 17 के अंदर अभी देखना, 17, 18, 19, 20 और ऊपर के 5, मतलब ये कितना हो गया, 8, 8 अगर मैं ऐड करूं तो 25 मिल रहा है, और 25 टू 35 और ऊपर के 3, मतलब अगेन 8 ऐड करूं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 33। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे +6 +6 दो बार ऐड हो चुका है, +8 +8 दो बार ऐड हो चुका है, और +6 और +8 में 2 का गैप है। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो +10 करने के बाद मिल रहा है। सो 43 के अंदर अगर मैं फिर से दोबारा 10 ऐड कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। सो 43 में 10 ऐड कर दीजिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा 53 टू बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ओके। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। कुछ अलग अलग सीरीज भी आएंगे, वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं वो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। अभी ये थोड़ी सी अलग सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखना, यहाँ पे 11 दिख रहा है, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23 और फिर 25। नेक्स्ट अपकमिंग नंबर कौन सा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखना बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं देखूँ सो एक नंबर पकड़ना 11, दूसरा 17, अगर मैं ये दोनों का गैप निकालू यहाँ पे तो ये कितना आ रहा है, +6 का आ रहा है, ठीक है। ये कितना गैप आ रहा है, +6 का गैप आ रहा है। 17 और यहाँ पे एक नंबर छोड़ के अगर मैं देखू 23, तो इसके अंदर भी अगर मैं +6 करूँ, 17 + 6 तो मुझे मिलेगा 23, ओके। और दूसरा एक पैटर्न अगेन अगर अगेन अगेन मैं देखूँ यहाँ पे तो वो 13 और 19 एक नंबर छोड़ के 13 के अंदर अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो मुझे मिल रहा है 19, और 19 में अगर फिर से मैं 6 ऐड कर दूं मुझे मिल रहा है 25, ओके। 19 के अंदर अगर मैं 6 ऐड करूं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 25। सो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट,
यहाँ पे देखना अल्टरनेट पैटर्न में हो रहा है, 11 + 6 = 17, 17 + 6 = 23, 23 + 6 अगर मैं करूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। सो 23 + 6 कर दो, 29 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। सो ये एक कुछ अल्टरनेट पैटर्न था जहाँ पे हम अल्टरनेट लॉजिक भी लगा रहे थे। सो ये भी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, 5, 10, 17, 26, 37 नेक्स्ट अपकमिंग नंबर कौन सा आएगा? देखिए केयरफुली, अगर मैं इनका डिफरेंस लेते जाऊं, 2 के अंदर अगर मैं 3 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 5, ठीक है। 5 के अंदर अगर मैं फिर से 5 ऐड करूं मुझे मिल रहा है 10, 10 के अंदर अगर मैं यहाँ पे 7 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 17, 17 के अंदर स्टूडेंट्स अगर मैं 9 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 26, 26 के अंदर प्लस 11 अगर मैं करूं तो मुझे मिल रहा है 37। अबे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैम प्लस 3 एक बार ही हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है, फिर प्लस 7 हो रहा है, फिर प्लस 9 हो रहा है, फिर प्लस 11 हो रहा है। ये लॉजिक हो सकता है हमारा प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का पॉसिबल है क्या स्टूडेंट? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9 है स्टूडेंट, एंड 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर का लॉजिक तो है नहीं। दिस इज अ लॉजिक ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर राइट, ऑड नंबर का एडिशन हो रहा है। प्लस 3 के बाद आएगा प्लस 5, प्लस 7, प्लस 9, प्लस 11। 11 के बाद का ऑड नंबर है 13। अगर 37 में मैं 13 ऐड कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50। 50 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट कभी कभार क्या होता है, हमको लॉजिक जल्दी क्रैक होता नहीं है एग्जाम में, अगर नंबर सीरीज अगर हम टॉपिक देखेंगे तो। उसके लिए अगर लॉजिक ही क्रैक नहीं हो रहा एग्जाम में तो सिंपल आपको डिफरेंस लेना है। जैसे कि 2 और 5 में 3 का डिफरेंस है, 5 और 10 में 5 का डिफरेंस है, 10 और 17 में 7 का और 9 का, इस तरीके से आपको डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस भी नहीं आया तो आप डबल डिफरेंस के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं अपकमिंग क्वेश्चन में आपको बताऊंगी आगे। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको स्टार करके लीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में 4, 7, 11, 18, 29, 47 बीच में ही क्वेश्चन मार्क आ गया, 123 और 199, ये क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के कैटेगरी को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज। अभी फिबोनाची सीरीज होती क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। पहले ये थोड़ा सा क्वेश्चन आराम से देखिए। यहाँ पे देखना 4 और 7, ये पहले दो नंबर है, फर्स्ट नंबर है 4, दूसरा नंबर है 7। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 4 + 7 करूं तो मुझे मिल रहा है तीसरा नंबर 11। मतलब फर्स्ट नंबर प्लस अगर मैं सेकेंड नंबर करूं तो मुझे मिल रहा है थर्ड नंबर, राइट। अभी देखना सेकेंड नंबर है 7, थर्ड नंबर है 11, इन दोनों का अगर एडिशन करूं 7 + 11 तो मुझे मिल रहा है फोर्थ नंबर। मुझे क्या मिल रहा है? फोर्थ नंबर। सिमिलरली थर्ड नंबर जो कि है 11 एंड द फोर्थ नंबर इज 18, इन दोनों की अगर मैं एडिशन करूं तो मुझे मिलेगा 29, दैट इज फिफ्थ नंबर। सो सच टाइप ऑफ सीरीज जहां पे पहले दो नंबर्स की और दो संख्याएं की अगर मैं एडिशन करूं तो मुझे मिल रहा है तीसरा नंबर, सेकेंड एंड थर्ड के एडिशन करूं तो मुझे मिल रहा है फोर्थ, थर्ड फोर्थ का एडिशन करूं तो मुझे मिल रहा है फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स्थ का एडिशन करूं तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे सेवेंथ नंबर। तो मुझे एट्थ नंबर कैसा मिलेगा स्टूडेंट? सिक्स और सेवेंथ ऐड कर दो, मतलब 29 प्लस अगर मैं 47 कर दूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरा आंसर। देखना 9 + 7 = 16, कैरिड 1, 4, 5, 6, 7, 76 इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। सो सच टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एज फिबोनाची सीरीज, जहां पे पहला और दूसरा नंबर ऐड करो तो तीसरा मिलेगा, सेकेंड एंड तीसरा ऐड करो तो चौथा मिलेगा, तीसरा और चौथा करूं तो पांचवा, पांचवा और छठवा करूं तो सातवां मिलेगा। इस तरीके से इस सीरीज को, पैटर्न को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे
पूछ के, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी चीज समझ नहीं आ रही हो, तो जरूर पिन डाउन कीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, फिबोनाची सीरीज के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, तो आगे देखेंगे और। ठीक है, देखना अभी क्वेश्चन नंबर 6। 3 से लेके 9, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 36, फिर आ रहा है 30। ना स्टूडेंट्स ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, ना वह ये डिक्रीजिंग पैटर्न है। 3 से लेके 9 गए, 9 से फिर 6, 6 से फिर 36, 36 से लेके 30। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है देखना अभी। अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 × 3 करूं, पहला नंबर इंटू 3 करूं, तो मुझे मिल रहा है सेकेंड नंबर 9। 9 में से अगर मैं 3 माइनस करूं, मुझे मिल रहा है 6। 6 × अगर मैं यहाँ पे 6 करूं, मुझे मिल रहा है 36। 36 − 6 करूं तो मुझे मिल रहा है 13। पहली बात तो यहाँ पे ना आपको इंक्रीजिंग पैटर्न दिया था, ना आपको डिक्रीजिंग पैटर्न दिया था। पैटर्न किस तरीके से था स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा था, मतलब दोनों भी यहाँ पे इंक्लूसिव थे। यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, एक तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और उसी के साथ साथ अल्टरनेटिव मैनर में सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है। ओके, इट मीन्स अल्टरनेटिव मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन नाम की ये सीरीज है, जिसके अंदर पहली बात तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से सब्सट्रैक्ट किया, बाद में मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से सब्सट्रैक्ट किया, मतलब हो क्या रहा है 3 × 2 = 6। फिर क्या करूं मैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 = कर दू, 3 × 3 = 9, मतलब × 9 और −9 में यहाँ, सॉरी −9 में यहाँ पे कर सकती हूँ। ये एक लॉजिक हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है × 3 − 3 का भी लॉजिक यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे चीज जो है समझनी है। अगर मैं यहाँ पे टेबल देखू 3 का, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 से मल्टीप्लाई किया सब्सट्रैक्ट किया, 6 से मल्टीप्लाई किया सब्सट्रैक्ट किया, अभी 9 से मल्टीप्लाई करूंगी और सब्सट्रैक्ट करूंगी। अगर 30 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 × 3 = 27, 270 मेरा जो है नेक्स्ट नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर 270 के बाद का अगर मुझे ऑप्शन देखना है तो मैं क्या करूंगी, −9 करूंगी। सो पैटर्न वॉज ऑफ अल्टरनेटिव मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसीलिए 270 यहाँ पे आंसर आए। इसके अंदर कोई डाउट हो तो पूछिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7। 97 से लेकर आ रहे हम 90 तक, फिर 76, फिर हो रहा है 55, एंड देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। पहली बात, पैटर्न इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग पैटर्न है। 97 से अगर 90 जाना हो तो −7 करती हूँ मैं, 90 से 76 जाना हो तो −14 करती हूँ। ठीक है, 76 to 55 −21। सो पैटर्न देखिए, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, मतलब 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। 7 का टेबल तो चल रहा है स्टूडेंट, और सब्सट्रैक्शन में चल रहा है, मतलब 7 पहले माइनस किया, फिर 14, फिर 21, और फिर क्या आएगा माइनस करके 55 में से। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ 28, बिकॉज द नेक्स्ट 7 × 4 = 28, राइट। सो ये मेरा भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 55 − 28 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा 27। एक बारी क्रॉस चेक करके देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 198, 202, फिर आएगा 211 एंड 227, करेक्ट, यही तो है नंबर्स। यस, सो यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, 198 में मैं +4 अगर करती हूँ तो मुझे मिलता है 202। 202 में अगर मैं +9 करूँ तो मुझे मिलेगा 211। 211 में अगर मैं यहाँ पे +16 करूँ तो मुझे मिल रहा है 227। स्टूडेंट्स, अगर लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा है आपसे, तो मैंने क्या बोला है, आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब क्या, जो नेक्स्ट नंबर है जैसे कि 202 और पहला नंबर था 198, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन करना था। 202 −198, इसके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा था 4 का। 202 और 211, 211 −202 अगर मैं करूं तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 9। इस तरीके से आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेने से आपको लॉजिक आराम से क्रैक होगा। देखना अभी कैसे, अगर यहाँ पे आया +4, यहाँ पे आया +9, यहाँ पे आया +16। मैंने आपको बोला स्क्वायर्स एंड क्यूब्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे देखना। 2 का स्क्वायर पता है आपको 4 है,
थ्री का स्क्वायर आपको पता है 9 है, 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 है, यही नंबर्स तो हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, 25। सो 227 में 25 आपको ऐड करना है। सो 227 में अगर मैं 25 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 252। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक इजिली क्रैक होगा, इवन इफ अगर आप डबल डिफरेंस मेथड से भी जाते हो। वो डबल डिफरेंस मेथड क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे ना इंक्रीजिंग पैटर्न दिया है ना डिक्रीजिंग पैटर्न, देखना 24, फिर आ रहा है एकदम से 6, 18, 9, 36, 36, 9, 24। नेक्स्ट अपकमिंग नंबर कौन सा रहेगा? ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं इसको एक पैटर्न में देखूं, जैसे कि इसको देखना, अभी ये दो नंबर्स, ये दो नंबर्स और ये दो नंबर्स, फिलहाल के लिए 24 को मैं जरा साइड में रखती हूं। सो 6 इंटू अगर मैं 4 करूं तो मुझे मिल रहा है 24, 6 4 जार 24, 9 2 जार मिल रहा है मुझे 18, और यहां पे देखना 9 4 जार मुझे मिल रहा है 36। स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, पहले तो इंटू 4 कर दिया मैम हमने, फिर इंटू 2 कर दिया, इंटू 4 कर दिया। आप इस पैटर्न को ऐसे भी ले सकते हो, जैसे कि 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं मुझे मिल रहा है 6, 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर सिंपली ऐसा करना इंस्टेड ऑफ टेकिंग 6 यहां पे देखना 18, 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं मुझे मिल रहा है 9, मुझे क्या मिल रहा है 9। सिमिलरली 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मुझे मिल रहा है 9 अगेन। सो 24 को मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना पहले 4 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 4 से किया, अभी फिर से 2 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 12, एंड 12 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा भी आप जा सकते हो या फिर इस मेथड से भी, इंटू 4, इंटू 2, इंटू 4, फिर से अब क्या करोगे, नॉट इंटू 2, डिवाइड बाय 2 ना, डिवाइड बाय 2, ओके 18 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से 24 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 12 इंटू 2 अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा 24 या फिर 12। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है 12, ऑप्शन बी। अभी क्वेश्चन नंबर 10, 24, 35, 20, 31, 16 और फिर 27, देखना 24, 35, 20, 31, 16, 27। स्टूडेंट्स कभी कभी ना लंबे सीरीज अगर अच्छे से भी देखोगे आप, तब भी आपको इजीली जो है आप सॉल्व कर सकते हो। सो 5 से 6 सेकंड तो अच्छे से देखना है, माइंड फ्रेश करके, एकदम प्रेशर में बिल्कुल भी नंबर सीरीज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 24 और 20 और 16 अगर मैं ये ओवरऑल भी नंबर्स देखूं ऊपर ऊपर से, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है 4 का। 24 माइनस 4 करूं यहाँ पे, 20 माइनस 4 करूँ मेरे को मिल रहा है 16, 16, राइट 16, 24 माइनस 4 20, 20 माइनस 4 क्या मिल रहा है यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स, 16 मिल रहा है। सो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा देखना, 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12। ये एक लॉजिक तो हो गया, बट दूसरे नंबर्स के लिए क्या लॉजिक है मैम, दूसरे नंबर्स के लिए भी लॉजिक है। देखना 31 से लेके 35 से लेके मैं 31 को जा रही हूँ, यहाँ पे भी माइनस 4 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस 4 हो रहा है, 31 माइनस 4 करूँ तो मुझे मिल रहा है 27। मतलब लॉजिक क्या है स्टूडेंट, अल्टरनेटिव सब्सट्रैक्शन हो रहा है माइनस 4 का। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आएगा। अभी इसके बाद करना क्या है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो चीज आपको यहाँ पे करनी है दैट इज हर एक क्वेश्चन के लिए वीडियो पॉज आप करोगे और फिर क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे और फिर मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन देखोगे। ये थोड़ा सा करोगे ना तो आपको ये नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद और दूसरी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी देती हूँ मैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। आई होप यू हैव पॉज द वीडियो और सॉल्व किया होगा आपने। देखना अभी 1, 4 यहाँ पे 27, 27 और 256 दिया है। ऊपर ऊपर से भी अगर नंबर देखा है आपने तो आपको एक चीज पता चलेगी यहाँ पे कि ये कुछ ना कुछ स्क्वायर्स क्यूब वाली बातें हो रही है।
1427 तक एटलीस्ट, बट 257 का कुछ पता नहीं है मैम। अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगर लेती हूँ तो मुझे मिलेगा 1, जो कि यहाँ पे आपका नंबर मिल रहा है। 4 के लिए 2 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो मुझे मिल रहा है 4। यहाँ पे 3 का अगर मैं क्यूब करूँ तो मुझे मिलेगा 27। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो लॉजिक बैठ सकते हैं, एक 1 का स्क्वायर 1 आएगा, या फिर 1:1 भी अगर मैं करूँ तो इसका भी आंसर 1 आ रहा है। मतलब लॉजिक किस चीज का बिठा सकती हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज 1:1 इज इक्वल टू 1, 2:2 इज इक्वल टू 4, 3:3 इज इक्वल टू 7, एंड स्टूडेंट्स 4:4 इज इक्वल टू 256। ठीक है, सो ये जो पहले लॉजिक लिया था मैंने, एक का स्क्वायर, ये थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ क्योंकि ये लॉजिक बैठ सकता है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब अगर मैं लूँ तो 27, सो 4:4 अगर मैं लूँ तो 256। सो 256 जो है, सॉरी, यहाँ पे आपको नंबर मिल गया। सो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा? 5:5 कर दो, 5:5 कर दो। सो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 3125। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। अभी आपने बोला होगा कि मैम स्क्वेयर्स तो कर लिया, क्यूब्स भी कर लिया, पर ये 2 का स्क्वेयर, 3 का क्यूब, 4 का रेस टू 4, 5 का रेस टू 5, ये तो हमने नहीं किया था, नहीं किया, बट एटलीस्ट अभी आपने देख लिया ना, इसकी वैल्यूज लिख के लो कि 3125 किसकी वैल्यू है, 5:5 की। 256 किसकी वैल्यू है, 4:4 की। अगेन यूज द फॉर्मूला नोटबुक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 3, 11, 14 एंड 25। पॉज करके करना है, सॉल्व पहले और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। 8, 3, 11, 14 एंड 25। आई होप आपने पॉज करके सॉल्यूशन जो है सॉल्व किया होगा। अभी देखना 8, 3, 11, 14 एंड 25। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या थी? फर्स्ट और सेकंड नंबर अगर मैं ऐड करूं मैम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर अगर ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है तीसरा नंबर, तीसरा और चौथा ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है पांचवा नंबर, दैट इज इक्वल टू 25। देखना 8+3 11 आ रहा है, 11+14 अगर करूं 25 आ रहा है। नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? 14+25 कर दो, 5+4 9, 39। 39 करेक्ट आंसर आएगा, फिबोनाची सीरीज का था एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आपका आंसर करेक्ट आया होगा। चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, हेल्प करेगा ताकि। ठीक है, अभी देखना, एक के अंदर 5 अगर मैं ऐड करूं 6 मिल रहा है, 6 के अंदर यहाँ पे अगर मैं 15 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 21, 21 में अगर मैं 45 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 66। मैम लॉजिक कुछ क्रैक नहीं कर रहा है कि मैम आपने तो पढ़ा दिया कि डिफरेंस लेने के बाद कुछ ना कुछ तो समझेगा, बट अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डिफरेंस तो मैंने ले लिया, एक का डिफरेंस आया 5, दूसरे का आया 15 और तीसरे का आया 45, फिर भी लॉजिक समझ नहीं आया। फिर से दोबारा आप डिफरेंस ले सकते हो, जैसे कि देखना अगर मैं इस दोनों के अंदर फर्क देखूं कितने का है, 10 का, या फिर सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको, 5 3 करूँ तो 15 मिल रहा है, पहला नंबर इंटू 3 करूँ तो मुझे मिल रहा है 15, दूसरा नंबर है 15 इंटू 3 करूँ तो मुझे मिल रहा है 45। तो लॉजिक क्या है आ रहा है स्टूडेंट, 45 इंटू 3 करो मैम, 45 इंटू 3 करो, जो भी नंबर आएगा वो 66 में ऐड कर दो। सो इस तरीके से 45 इंटू अगर मैं 3 कर दूँ तो ये मुझे कितना मिलेगा, 135। सो 135 में 66 अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे मिल जाएगा मेरा नेक्स्ट अपकमिंग नंबर, दैट इज इक्वल टू 201। लॉजिक नहीं आ रहा है, डिफरेंस लो, डिफरेंस से भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो फिर से डबल डिफरेंस भी ले सकते हो, और एग्जाम्पल्स है उसमें और समझेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखना है। 3, 6, 9, 15, 24, 39 एंड फिर 63, नेक्स्ट अपकमिंग नंबर कौन सा? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है फिबोनाची सीरीज का, जहां पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का ऐड करती हूँ तो मुझे मिल रहा है तीसरा। तीसरा कब मिलेगा? फर्स्ट और सेकंड ऐड करने के बाद। सेकंड और थर्ड ऐड करने के बाद चौथा, थर्ड और फोर्थ ऐड करने के बाद पांचवा। इस तरीके से ये नंबर कैसे मिलेगा? ये दो नंबर ऐड करने के बाद मैम। सो 39 प्लस अगर मैं यहाँ पे 63 करती हूँ तो मुझे मिलेगा 102 एज माई आंसर। आई होप सभी का क्वेश्चन का आंसर आया होगा इजीली। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 30, 68, 130, 222, नेक्स्ट अपकमिंग नंबर कौन सा है बताना है। बीच में उन्होंने गायब कर दिया है नंबर को, 520 और 738। समझ नहीं आ रहा है मैम लॉजिक क्या है, नंबर्स बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। नो प्रॉब्लम, डिफरेंस लो। 30 के अंदर अगर मैं 38 ऐड करूं मुझे मिल रहा है 68। 68 के अंदर अगर मैं यहाँ पे 62 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 130। 130 के अंदर अगर मैं 92 ऐड करूं मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जस्ट क्रॉस चेक कर लेना एक बार, तो यहाँ पे मिल रहा है 222। और ये तो फिलहाल के लिए छोड़ ही दो, इन दोनों के अंदर का डिफरेंस ले लो मैम, मिल रहा है 218। मैम ये तो ठीक है डिफरेंस ले लिया, पर लॉजिक तो क्रैक नहीं हुआ, लॉजिक तो क्रैक नहीं हुआ। मतलब 222 के अंदर कुछ तो ऐड करने के बाद ये नंबर मिलेगा, फॉर एग्जांपल एक्स, और एक्स के अंदर कुछ ऐड करने के बाद मुझे यहाँ मिलेगा 520। इतना तो आपको समझ आया होगा, लॉजिक भले ही क्रैक ना हो इतना तो आपको समझ आया ना कि 222 के अंदर एक कुछ नंबर ऐड करने के बाद मुझे मिल रहा है एक्स, और एक्स के अंदर कुछ थोड़ा सा और ऐड करने के बाद मुझे मिल रहा है 520। यही लॉजिक अप्लाई करना है मैम, लॉजिक तो अप्लाई कर लेंगे, पहले ये लॉजिक तो क्रैक होना चाहिए पहले कि क्या ऐड कर रहे हैं। समझ नहीं आया, फिर से डिफरेंस लो, डिफरेंस का डिफरेंस लो, मतलब 38, 62 ये तो डिफरेंस आया था। लॉजिक समझ नहीं आया, इन दोनों का डिफरेंस लो, मतलब 38 में अगर मैं 24 ऐड करूं स्टूडेंट तो मुझे मिलेगा 62, 62 के अंदर मैं 30 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 90, 90 के अंदर 92 के अंदर कुछ ऐड करने के बाद ये नंबर मिलेगा पहले वाला, और फिर कुछ ऐड करने के बाद ये मिलेगा दूसरा नंबर। एग्री कि पहले नंबर में अगर ये कुछ नंबर ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर में और कुछ ऐड करने के बाद 218 मिल रहा है। स्टूडेंट प्लीज इस लॉजिक को समझ लीजिए, ये अगर आपने समझ लिया एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड रिगार्डिंग नंबर सीरीज। अगर कुछ भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए इसके बाहर का तो आपको कुछ आएगा ही नहीं, ट्रस्ट में। डिफरेंस लेके नहीं आ रहा लॉजिक तो उसका डिफरेंस लो। अभी प्लस 24 प्लस 30 करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया मैम, क्या कर रहे हैं हम? और डिफरेंस लेना है 24 और 30, मतलब क्या 24 में अगर मैं प्लस 6 करूं तो मुझे मिल रहा है 30। नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा? 30 के अंदर भी प्लस 6 कर दो, वाई? बिकॉज प्लस 6 के हम लॉजिक आ चुका है अभी, प्लस 6 प्लस 6 का ही लॉजिक आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 30 प्लस 6 36। 36 के अंदर अगर मैं प्लस 6 करूं मैम तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 42 मिलेगा। 42 के अंदर फिर से मैं प्लस 6 अगर मैं करूं तो मुझे मिल रहा है 48। आया लॉजिक समझ? यस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन तो डिफरेंस लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना। अभी देखना, 92 प्लस 36 अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा मेरा रिक्वायर्ड नंबर 128, पहला नंबर। 128 में 42 ऐड करूं तो मुझे मिलेगा मेरा नेक्स्ट रिक्वायर्ड नंबर 128 प्लस 42, मतलब ये हो गया 170, राइट? 170। सो स्टूडेंट्स अभी तो हमें पूरे नंबर्स मिल गए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, डन एंड डस्टेड। अभी आंसर आ जाएगा, देखना। 222 के अंदर 128 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। 222 प्लस 128 करो, क्या आएगा आपका आंसर? 350। सो 350 इज द आंसर, बट फिर से क्रॉस चेक करते, 350 तो आ गया। क्रॉस चेक कैसे करना है देखना,
350 के अंदर ये सेकंड नंबर ऐड करके देखो तो आपको मिलेगा ये 520। सो 350 प्लस 170 करूं तो मुझे मिल रहा है 520। इट मीन्स 350 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप तो आपको ये इजीली आसानी से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा प्लीज रिपीट मोड पे ये देखना है। डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस का भी डिफरेंस समझ गया तो और फिर से डिफरेंस लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 29, 38, 47, पहले सॉल्व कीजिए फिर सॉल्यूशन देखना है। वीडियो पॉज करके देखना। 29 में मैं प्लस 9 करूं तो मुझे मिल रहा है 38। 38 में प्लस 9 करूं मिल रहा है 47। 47 में क्या ऐड करूंगी तो आंसर मिलेगा प्लस 9, क्योंकि एडिशन का लॉजिक है एडिशन ऑफ प्लस 9, सिंपल। सो यहाँ पे 47 प्लस 9 करने के बाद मिलेगा 56। 56 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। 3.5, फिर है 7, फिर है 10.5 एंड देन आया 14। अभी इसमें लॉजिक क्या है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। दिखने में तो डेसिमल पॉइंट दिख रहा है मैम, हो क्या रहा है? 3.5 का डबल मतलब 3.5 प्लस 3.5 इज 7 गाइस। 7.0 मतलब भी होता क्या है 7, मतलब 3.5 प्लस 3.5 करूं तो 7 मिल रहा है। 7 प्लस अगेन 3.5 करूं तो मुझे मिल रहा है 10.5। एंड 10.5 प्लस 3.5 अगर मैं करूं मुझे मिल रहा है 14। मैंने क्या बोला आपको, डेसिमल पॉइंट देख के घबरा नहीं जाना है, लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपली डिफरेंस लेते जाना है, डिफरेंस लेते जाना है। 3.5 और 7 में 3.5 का डिफरेंस है, 7 एंड 10.5 में 3.5 का डिफरेंस है, 10.5 में 14 में 3.5 का डिफरेंस है। सो आंसर कैसे आएगा, 14 में 3.5 ऐड कर दो मैम आंसर आ जाएगा। यस, सो 17.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 3128, ना इंक्रीजिंग है मैम ना डिक्रीजिंग है, बट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नंबर्स देख के डरना नहीं। 16, 15 एंड 8। अगेन प्लीज काइंडली डू पॉज द वीडियो, सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते, देखना। अभी इस क्वेश्चन में आपको इन नंबर्स की ओर अगर आप देखेंगे, सिंपली ओवरऑल भी अगर आप देख लेंगे तो आपको एक लॉजिक समझ आएगा। 3 में अगर मैं 3 ऐड करूं 6, 6 में 3 ऐड करूं तो 9, 9 में 3 ऐड करूं तो 12, 12 में 3 ऐड करूं तो 15। व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिक स्टूडेंट्स, देखना। 128 के बाद आ रहा है 64। ये दो नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली आधा है, मतलब अगर 128 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे मिल रहा है 64। फिलहाल के लिए रख देते हैं साइड में, ठीक है, ये भी रख देते हैं साइड में। 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे मिल रहा है 8। मतलब लॉजिक क्या है, 2 से डिवीजन का लॉजिक है। 64 को 2 से डिवाइड करो भाई साहब, 64 से 2 से डिवाइड किया मुझे मिल रहा है यहाँ पे 32। 32 को क्रॉस चेक करके देखो, 2 से डिवाइड करो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। सो 32 इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ये तो हमने सॉल्व किया है राइट, दोनों भी राइट, ओके। 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18 और 32 नंबर्स देखना। 2 से 4 अगर मैं जाती हूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इनटू 2 हो रहा है, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। एक तो लॉजिक समझ आ गया कि मैम अल्टरनेट मैनर में हम क्या कर रहे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे। एक एक नंबर तो छोड़ दो, ये हो गया खत्म, खत्म लॉजिक इज खत्म। सो इस क्वेश्चन मार्क पे तो ये लॉजिक नहीं आएगा इंटू टू का, यहाँ पे आएगा। दैट इज 32 इंटू अगर मैं 2 करूं तो मुझे मिलेगा 64। ये यहाँ पे आएगा बट रिक्वायर्ड इज दिस नंबर नॉट दिस नंबर, 64 कैन नॉट बी योर आंसर। दूसरा लॉजिक देखना अभी क्या है। 6, 9, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, चलो 6, 9, 13, 18,
देखना, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सो आंसर क्या आएगा? 18 प्लस 6 कर दो मैम, 18 प्लस 6 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज प्लस 3 प्लस प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस प्लस 6, सो आंसर क्या आएगा? 18 6 24. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 0 3 8 15 24 क्वेश्चन मार्क 48. पॉज करके सॉल्व करो, आंसर देखना. अभी थोड़ा सा इसको लिख के लेती हूँ. 15 24 क्वेश्चन मार्क 48. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा मेरे साइड से ट्रांसपेरेंट एक काइंड ऑफ यू नो हार्डवर्क है आपके लिए. मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, इसके पीछे देयर इज नो थिंग कि कोई पैसा कमा रहा है या कुछ भी. सो प्लीज एक बार ही वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि इसके अंदर मेरा बहुत ज्यादा हार्डवर्क है ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाए. बेसिकली दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू एक्सेस द सब्सक्रिप्शन, उनके लिए ये मैं चीज कर रही हूँ. सो जरूर वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, और जरूर कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. ठीक है, अभी देखना. 0 3 8 15 24 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो दे रखा है उन्होंने. लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत ही सिंपल है. लॉजिक क्या है देखना स्टूडेंट, तीन को अगर देखोगे 8 15 और 24, सिर्फ ये नंबर्स को देखिए पहले, तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं स्क्वायर्स के आसपास है. स्क्वायर के आसपास है, देखना. दो का स्क्वायर आता है 4, ठीक है, इसको ऐसे लिखती हूँ. देखना दो का स्क्वायर कितना रहता है स्टूडेंट्स, 4. ये 4 के आसपास है ना 3, ओके. सिमिलरली तीन का अगर मैं स्क्वायर लू, तीन का स्क्वायर कितना आता है 9, और ये 9 के आसपास है, राइट. ये नंबर देखना 15, 4 का स्क्वायर है 16, ये 16 के आसपास है. सिमिलरली 5 का स्क्वायर अगर मैं देखू 25, ये 25 के आसपास है. पहले तो देखो 2 3 4 5 नंबर्स एक के बाद एक आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या, नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं. कौन से नंबर्स? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है. सो 2 3 4 5 और जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हम इनका स्क्वायर ले रहे हैं और उसमें से एक को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. 9 माइनस 1 16 माइनस 1 25 माइनस 1. सिमिलरली यहाँ पे जो जीरो नंबर आ रहा है वो एक का स्क्वायर जो कि एक है उससे एक माइनस करेंगे तो जीरो मिलेगा. नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा फिर स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर लीजिए और उसमें से एक माइनस कीजिए, 35 आपका आंसर आएगा. ये ट्रिक क्रॉस चेक कर कीजिए इस 48 नंबर के साथ. 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 अगर मैं करूँ तो 48, मतलब ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन में ये ट्रिक बैठ रही है. 35 इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन. क्या था? कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर माइनस 1. नेक्स्ट 7 25 60 61 121. अभी इस क्वेश्चन में लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, करना क्या है डिफरेंस लेना है. देखिए पहले तो सॉल्व करके देखिए खुद से, फिर देखना लॉजिक. प्लस 18 अगर मैं करूं 7 में 25 मिल रहा है, 25 में 36 को ऐड कर दो 61 मिलेगा, 61 के अंदर अगर मैं 60 को ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 121. अभी लॉजिक फिर से क्रैक नहीं हुआ मैम, तो लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा है तो देखना. 18 में अगर मैं 18 ऐड करूं तो 36 मिलेगा, और 36 में अगर मैं 24 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 16. 18 का टेबल भी पता नहीं है, चलो आगे 18 का टेबल का भी लॉजिक नहीं मिल रहा है मैम. सो अगेन डिफरेंस लो, 18 और 24 में प्लस 6 का डिफरेंस आ रहा है. 24 में अगर मैं कुछ ऐड करूं, देखना कुछ ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा. फिर से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ, देखना अच्छे से. थोड़ा गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में, गड़बड़ नहीं फास्ट पढ़ाया मैंने बेसिकली. यहाँ पे अगर 18 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 25, 25 में 36 ऐड करूं तो मिलेगा 61, 61 में 60 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 121 में कुछ तो ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा ये नंबर. अग्री? ओके.
18 में 18 ऐड करूँ तो 36 मिल रहा है, 36 मिल रहा है, और 36 में अगर मैं 24 ऐड करूँ तो मुझे मिल रहा है 60। 60 में कुछ ना कुछ ऐड करूंगी तो मुझे ये डिफरेंस मिलेगा। डू यू अग्री विद दिस एवरीवन? यस। 18 में कुछ तो ऐड करूंगी, मतलब कितना ऐड करूंगी, 6 ऐड करूंगी तो 24 मिल रहा है। 24 में कुछ तो ऐड करूंगी तो ये नंबर मिलेगा। अग्री? ओके। सो यहाँ पे 6 आया स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी लॉजिक 6 का ही बैठेगा। सो 24 प्लस 6 करूँ तो क्या मिलेगा, 30। 60 प्लस 30 करूँ तो मुझे मिलेगा 90, जो कि यहाँ पे आएगा। और 121 प्लस 90 अगर मैं कर दूँ तो मुझे मिलेगा ये नंबर। कौन सा नंबर? 1। ये मिलेगा 211। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। सो ये जो डबल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस है हमने काफी सॉल्व किए। अगर समझ नहीं आया दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ आया तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके। चलो क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा, अभी काफी समय हो चुका है। देखना, 5, 16, 51, 158, थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लेती हूँ 2 मिनट का, तब तक सॉल्व कीजिए। देखना, 5, 16, 51, 158 और फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर दो नंबर्स को देखोगे, स्टार्टिंग के दो नंबर्स को, कहीं ना कहीं 16 जो है, अगर अप्रोक्सीमेटली भी देख लेंगे तो 16 जो है वो 3 टाइम्स है 5 का, मतलब ये 3 गुना है। 16 जो है आसपास है 3 गुना किसका, 5 का। मतलब 5 × 3 करूं और उसके अंदर +1 करूं तो मुझे मिल रहा है 16। कितना स्टूडेंट? 5 × 3 = 15, +1 मिल रहा है 16, जो कि नेक्स्ट नंबर है। सिमिलरली 16 और 51 को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 16 × 3, 3 गुना करना है और इसके अंदर +1 ऐड करना है। 16 × 3 = 16 × 3 = क्या होता है स्टूडेंट, 40, सॉरी टू नॉट वन, इसके अंदर 3 ऐड करना पड़ेगा ना, नॉट ओके। चलो देखिए, 16 × 3 = क्या होता है, 48। 48 प्लस अगर मैं 3 करूँ तो मुझे मिल रहा है 51। अभी देखना नेक्स्ट नंबर, 51 × 3 करूँ +5 करूँ, ओके सो ये मिलेगा मुझे 158। लॉजिक क्या है देखना, पहले बात तो नंबर जो है 5 पहला इंटू 3 किया और +1 किया, मुझे मिल रहा है 16, जो कि नेक्स्ट नंबर है। 16 जो कि सेकंड नंबर है, इंटू 3 +3 करूंगी इस बार, 51। 51 × 3 +5 करूं तो मुझे मिल रहा है 158। लॉजिक क्या है फिर, 158 × 3 +7 करूंगी। अभी मैम ये जो अपने यहाँ पे +1 +3 +5 +7 लिया, ये क्या लॉजिक पकड़ के लिया, ये है ऑड नंबर का लॉजिक। मुझे मतलब सॉरी मराठी निकलती कभी कभी मेरी, यहाँ पे नंबर्स को हम 3 गुना कर रहे हैं और उसके अंदर ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। पहले तो हमने +1 ऑड नंबर को ऐड किया, फिर +3 को, फिर +5 को, फिर +7 को। अगर नेक्स्ट नंबर आपको चाहिए होता तो आप क्या करते, 481 जो कि पहला आंसर है, इसके अंदर 3 को मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे +9 करते, क्योंकि 7 के बाद आने वाला ऑड नंबर 9 है। इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर आपका आएगा दैट इज 481, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, चलो जल्दी जल्दी। 534, 543, 559, 584, 620। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम लॉजिक तो क्रैक नहीं हो रहा है, लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। देखना, सो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो इनका डिफरेंस आ रहा है 9, मतलब 534 + 9। 543 के अंदर अगर मैं 16 को ऐड करूँ तो मुझे मिल रहा है 559। 559 में 25 को ऐड करूँ तो मुझे मिल रहा है 584, एंड 584 के अंदर अगर मैं 36 को ऐड करूँ तो मुझे मिल रहा है 620। अभी जो कुछ भी हम ये नंबर ऐड कर रहे हैं, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया,
ये जो पूरे नंबर्स है, दीज आर योर परफेक्ट स्क्वायर स्टूडेंट्स। ओके, देखना, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25 और 6 का स्क्वायर है 36। वी आर एडिंग द परफेक्ट स्क्वायर्स। सो 6 के बाद नंबर कौन सा आता है? 7। 7 का स्क्वायर क्या है? 49। सो 620 के अंदर अगर मैं 49 को ऐड करूं तो मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो करके देखिए, एडिशन करने के बाद 620 प्लस 49 अगर हम करेंगे, 669 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। सो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमने ट्रिक सीखी है, डिफरेंस मेथड, और उसी के साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्क्वायर्स विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 198, 194, 185, 169। अभी इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट्स। 189 एंड 194 में डिफरेंस है 4 का, -4 अगर मैं करूं। 194 और 185 में प्लस 9 अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा, यहाँ पे देखना, नॉट प्लस 9, -9। चलो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 198 एंड 194 दोनों के बीच है डिफरेंस -4 का। 194, 185, -9 का डिफरेंस है। 185 और यहाँ पे 169 में डिफरेंस है -16 का। जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, जहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर ऐड किए थे, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हम माइनस कर रहे हैं। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। अपकमिंग आंसर में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या है? 25। 25 को माइनस कर दो। सो 169 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूँ तो मुझे मेरा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। सो 169 माइनस 194 मतलब ये हमारा कितना आएगा? 144। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड 21। देखो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है पॉज करके। 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड 21। लॉजिक वेरी सिंपल लॉजिक स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा लॉजिक है। आप पहले पॉज करके देखो। लॉजिक इज अगेन ऑफ योर फिबोनाची सीरीज। देखना, पहला नंबर दूसरा नंबर ऐड करो, 0 प्लस 1 आपको देगा तीसरा नंबर। दूसरा और तीसरा ऐड करो, 1 प्लस 1 जो देगा चौथा नंबर, दैट इज 2। 1 प्लस 2 करो मिलेगा 3, 2 प्लस 3 करोगे मिलेगा 5, 3 प्लस 5 करोगे मिलेगा 8, 5 प्लस 8 करोगे मिलेगा 13, 13 प्लस 21 कर दो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दिस इज योर एग्जाम्पल अगेन ऑफ फिबोनाची सीरीज। 34 इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इजी भी था। आई होप आपका ये अच्छे से आपने इसको सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पहले सॉल्व कीजिए पॉज करके एंड देन गो फॉर द सॉल्यूशन। 606, ठीक है। सो फिबोनाची सीरीज के बहुत बारी आपको दिखेगा स्टूडेंट सॉल्व करते हुए, अगर आप डिफरेंट एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो। एंड इसको सॉल्व करना ही है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगेन इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो कोई भी क्वेश्चन में, तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आप प्रिंट डाउन करके पूछिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगी। किसी को भी बिल्कुल यहाँ पे शाय फील करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना, अभी यहाँ पे अगर आप पहला और दूसरा नंबर भी देखोगे और तीसरा और दूसरा नंबर भी देखोगे, लॉजिक समझ आएगी। जैसे कि 17 का कहीं ना कहीं दुगना आसपास 36 है बेटा। जैसे कि 17 टूजर, टेबल पता हो तो आ जाएगा, 17 टूजर होता है 34। 34 में 2 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 36। सिमिलरली 36 का दुगना अगर मैं करूं तो मुझे मिल रहा है 72, और 72 में अगर 2 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है 74। लॉजिक क्या है? जो नंबर दिया उसको दुगना करो और उसके अंदर 2 ऐड कर दो। 74 टूजर अगर मैं करूं तो मुझे मिल रहा है 148, और 148 में 2 ऐड कर दूं 150 मिल रहा है। सिमिलरली लॉजिक का आपको अगर समझ आया होगा तो आंसर भी आ जाएगा। 150 इंटू 2 कर दो आएगा 300, 300 में फिर से 2 ऐड कर दो, 302 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पॉज करके सॉल्व करना है। 103256 क्वेश्चन मार्क 12, 9। बहुत ही सिंपल लॉजिक है।
देखना, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फिर फिफ्थ नंबर देखो, फिर ये क्वेश्चन मार्क देखना और नाइन। इनका लॉजिक बहुत ही सिंपल है यार। अगर आप एक के अंदर दो ऐड करोगे, तीन मिलेगा, तीन के अंदर फिर से दो ऐड करोगे, पांच, पांच के अंदर दो ऐड करोगे तो मिलेगा सात, जो कि आपका आंसर है। फिर भी क्रॉस चेक करके देखिए, सात में दो ऐड कीजिए, नौ मिलेगा। मैम ये तो आंसर मिल भी गया, बाकी के नंबर्स के लिए लॉजिक क्या है? बाकी के नंबर्स के लिए लॉजिक है, जीरो प्लस टू करोगे तो दो मिलेगा, टू प्लस यहाँ पे अगर फोर करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा छ, और सिक्स प्लस सिक्स करोगे तो बारह। मतलब एडिशन किस चीज की कर रहे हो, पहले प्लस टू की, फिर कर रहे हो प्लस फोर, फिर कर रहे हो प्लस सिक्स, फिर कर रहे हो प्लस एट। इस तरीके से आप इवन नंबर की एडिशन कर रहे हो एक सीरीज में, और दूसरे सीरीज में तो काफी सिंपल प्लस टू प्लस टू प्लस टू कर रहे हो। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा सेवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अभी यहाँ पे फोर एटीन क्वेश्चन मार्क हंड्रेड 180 294 दिया है, नंबर इंक्रीजिंग पैटर्न में। फोर एटीन हंड्रेड 180, फिलहाल के लिए नंबर हम साइड में रख देते हैं। देखना, टू का स्क्वायर इंटू वन कीजिए, चार ही मिलेगा। टू का स्क्वायर फोर इंटू वन, परफेक्ट स्क्वायर के आसपास नंबर दिखेंगे, कब पता चलेगा ये? अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पता हो तो। थ्री का स्क्वायर क्या है? नाइन, पर इसको इंटू टू करूंगी, पहले तो इंटू वन किया था, अभी इंटू टू करूंगी, मिलेगा 18, राइट? ये नंबर देखना। अभी पांच का स्क्वायर करूंगी, दैट इज इक्वल टू 25, और 25 को फोर से मल्टीप्लाई करूंगी, और ये हो गया छह का स्क्वायर 36, 36 इंटू फाइव करूंगी, मिलेगा 180। लॉजिक क्या है? टू का स्क्वायर इंटू वन, थ्री का स्क्वायर इंटू टू, फोर का स्क्वायर इंटू थ्री, फाइव का स्क्वायर इंटू फोर, सिक्स का स्क्वायर इंटू फाइव। फोर का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट? 64। 64 इंटू, अगर सॉरी, फोर का सिक्स, फोर फोर द 16 है स्टूडेंट, 16 इंटू अगर मैं थ्री करूँ तो मुझे मिलेगा 48। 48 इज द करेक्ट आंसर फॉर ये क्वेश्चन। काफी सिंपल था, आई होप आप सभी का आंसर जो है आया होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, करना क्या है? करना बहुत ही सिंपल है। अभी आपको एक चीज, जितने भी क्वेश्चंस हम 50 तक सॉल्व करेंगे, जितने भी आपने पॉज करके आंसर्स दिए हैं, उतना नंबर आपको कमेंट सेक्शन में डाल के बताना है कि मैम मेरे इतने इतने करेक्ट आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9876543219, 9876543219। चलो कितने नंबर्स हो गए? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर 9876543219। एक को गायब कर दिया, पहले एक था, इसमें एक नहीं है, राइट? इसमें एक को गायब कर दिया, फिर क्या करोगे? एक और दो, दोनों को गायब करोगे। देखना, 9856543 तक, ये हो गई तीसरी सीरीज, जहां पे हमने एक को भी गायब कर दिया, दो को भी गायब कर दिया। यहाँ पे एक को गायब करेंगे, दो को गायब करोगे, और तीन को भी गायब कर दोगे। कहाँ तक? यहां तक दोस्तों, देखना प्लीज। पहले तो 9876543219 था, फिर हमने एक को गायब किया, फिर हमने एक और दो को गायब किया, फिर हमने एक दो तीन को गायब किया, किसमें? इसमें, चार तक ही नंबर्स लिखे। फिर आप क्या करोगे? एक को तो गायब कर दोगे, दो को भी करोगे, तीन को तो ऑलरेडी कर चुके, अब चार को भी करोगे। मतलब रह कितना गया? 9876 5, इधर तक ही आप लिखोगे मैम। सो यहाँ पे 987 तो लिखा है, उसके बाद के नंबर्स क्या आएगा? 6 और 5 आएगा, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर पूछा है, सो 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बट आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। 64, 332, 340, 170, और यहाँ पे दिया है ब्लैंक एंड देन 89। चलो पॉज करो एंड देन सॉल्व करो। ओके, टिल देन आई टेक अ सिंपल लिटिल ब्रेक, वॉट अ ब्रेक। चलो फास्ट सॉल्व करना और बताना। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक थोड़ा सा करेक्शन है, 664 है, नॉट 64, इट इज 664। ओके, ये थोड़ा करेक्शन था, अभी पॉज करो और सॉल्व करो। अभी इस क्वेश्चन के अंदर 664, 332, 340,
170 है, राइट। देखना बहुत ही सिंपल है, ये इसका कंप्लीटली आधा है, राइट। 664 से अगर मैं 664 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे मिल रहा है 332। 332 के अंदर प्लस 8 करूं तो मुझे मिल रहा है 340। 340 में अगर मैं फिर से 2 से डिवाइड करूं इसको तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 170। लॉजिक क्या है, एक बारी डिवाइड बाय 2 करोगे, एक बारी प्लस 8 करोगे, एक बारी डिवाइड बाय 2 करोगे, फिर से क्या करोगे, प्लस 8 करोगे। सो 178 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, नॉन स्टॉप जो है यहाँ पे पढ़ाना, सो प्लीज इस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करिए अगर आपको ये हार्डवर्क मेरी यूजफुल फील हो रही है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी, 8, 43, 11, 41 एंड देन ब्लैंक 39, 17। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, 8 एंड 11 प्लस 3, 11 एंड अगेन लेट्स सी उसके अंदर क्या लॉजिक आएगा, बट इसके अंदर आने वाले नंबर के अंदर अगर कुछ ऐड करो तो मुझे मिल रहा है 17। लॉजिक पहले समझ लो, यहां पे स्टूडेंट्स ये हो रहा है प्लस 3, 11 में प्लस 3 करूं मुझे मिलेगा 14, 14 में प्लस 3 करूं 17 मिल रहा है। आंसर तो आ गया नो डाउट, अल्टरनेट एडिशन का लॉजिक है, प्लस 3 कर रहे हैं, ठीक है। बट इसका लॉजिक क्या है, 43, 41 एंड 39 के लिए यहाँ पे लॉजिक इज ऑफ प्लस 3, ओके। जैसे कि 43 माइनस 3 करूं तो 41 मिल रहा है, 41 माइनस 3 करूं तो 39 मिल रहा है, 39 में से अगर माइनस 3 कर देती मैं तो मुझे मिलता यहाँ पे 36। सो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड आंसर तो ये था जो कि 14 आया है। दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी सिंपल था। जे नेक्स्ट क्वेश्चन, जे के को स्किप कर दिया, जे के एल, ओके, फिर एल एम एन दो अल्फाबेट्स को स्किप किया, एम एन, ओके, यहां पे एक सेकेंड, नॉट दिस जे, यहां पे एल, यहां पे लेंगे पी और यहां पे आया आर। लॉजिक समझ लो पहले तो, जे और अल्फाबेट्स अगर आप पढ़ोगे इंग्लिश के, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, जे के बाद आता है के को मैंने कर दिया स्किप, ठीक है। के बाद सॉरी एल के बाद आएगा जो हमारा है एम, एम को तो स्किप करना ही है। अगर मैं बोलूं एम के बाद एन आता है तो एन यहाँ पे मैं लिखूंगी, बट लॉजिक आके बैठता है क्या देखेंगे, एन के बाद आता है मैम ओ, ओ को स्किप करके आ रहा है पी, पी के बाद क्यू आता है, क्यू को भी स्किप कर दिया, मतलब हो क्या रहा है स्टूडेंट, अल्टरनेटिव अल्फाबेट्स हमने ले लिए स्किप कर करके, ठीक है। लॉजिक फॉर नंबर्स, 14, 16, दो का गैप, ओके, यहाँ पे आएगा 18, फिर दो का गैप 20 और फिर दो का गैप 22, सो एन 18 इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस था नहीं, ठीक है। एक एक अल्फाबेट स्किप कर दिया और फिर यहाँ पे हमने लॉजिक यूज किया। अभी ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख रहे स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चंस कैन बी आल्सो आस्क्ड फ्रॉम द अल्फाबेटिकल सीरीज का टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, यू 32, वी 49, एक्स 23, वाई 20। लॉजिक बहुत ही इजी है, देखना, वी पहले यू, फिर आया वी, फिर x और फिर y, राइट। इसके बीच का आपको बताना है, इसके बीच y और x के बीच में आपको है आंसर बताना है। पहली बात तो अगर आप अल्फाबेट्स पढ़ोगे a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u प्लस 1 v, v प्लस 1 अगर करोगे तो w मिलेगा, w प्लस 1 करोगे x मिलेगा, x प्लस 1 करोगे y मिल रहा है। मतलब लॉजिक क्या स्टूडेंट, जो नेक्स्ट नेक्स्ट अल्फाबेट है वो लेना है, V के बाद आता है W, सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया, रही बात ऑप्शन ए और बी की, सो नंबर से तो आपका आंसर आ जाएगा। नंबर्स में लॉजिक क्या है, 32, 29,
और फिर आ रहा है जो नेक्स्ट नंबर, दैट इज आंसर का 32, 29, फिर नंबर और फिर 23 और फिर 20, डिफरेंस लेके देखिए और आंसर जो आपका यहाँ पे आ जाएगा। डिफरेंस भी अगर आप लोगे यहाँ पे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 के अंदर अगर मैं +3 ऐड करूँ 23, 23 में +3 ऐड करूँ 26, 26 में +3 ऐड करूँ 29, 29 में +3 ऐड करूँ यहाँ पे मिलेगा 32। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, W26। गॉट इट? यस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। F2, D8, C16 और B32। फिलहाल के लिए अल्फाबेट्स देखिए, ठीक है? ए बी सी डी ई एंड एफ। लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक के बाद जो कुछ भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो रिवर्स मैनर में लिख रहे हैं। पहले तो हमने बी लिखा, फिर आता है सी, फिर आता है डी, फिर आएगा हमारा ई, ई के बाद आता है एफ। सो एफ वाला, सॉरी ई वाला हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, और बी तो एलिमिनेट हो ही गया। नंबर्स के लिए देखना, 2, 8, 16, 32, ये नंबर्स दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। सो 8 2 16 2, सो 2 2 करके देखो 4 आएगा, और 4 2 मतलब डबल नंबर है, 2 4 8, 4 2 8 2 और 16 2। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका E4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35, 0.15, 0.3, ब्लैंक 1.4, 1.2 एंड 2.4। बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसका डबल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0.15 का डबल इंटू टू मतलब 0.3 मिलेगा। 0.3 इंटू टू अगर मैं करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 0.6। 0.6 का अगर इंटू टू करूँ 1.2, और 1.2 का इंटू टू करूँ तो 2.4। सो इसीलिए 0.6 आपका आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 70, 71, 76, ब्लैंक 81, 86। बहुत ही अगेन सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक नंबर जो है रैंडमली हम इंसर्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ये थोड़ा सा समझ लो। ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है बट इजी है। यहाँ पे फिलहाल के लिए 91 साइड में रख देती हूँ, ठीक है? 70 आ गया, 70, 70 के लिए थोड़ा सा साइड में रखते हैं इसको। ये देखना अभी 71 और 76 में अगर +5 ऐड करूँ मैं तो मुझे मिल रहा है 76। 81 में अगर मैं +5 ऐड करूँ तो मुझे मिल रहा है 86, ठीक है? और फिर आएगा यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद 91, ठीक है? लॉजिक अगेन इज वेरी सिंपल। 70 70 रैंडमली हम डाल रहे तीन तीन नंबर्स के बीच में, ठीक है? सॉरी, दो दो नंबर्स के। देखना 71 76 के पहले आया था 70, 81 86 70। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नंबर भी आएगा दैट विल बी 70। मतलब हो क्या रहा है, हमने 70 को इंसर्ट किया, फिर दो नंबर्स लिए जिनके अंदर +5 का गैप था, फिर से 70 को इंसर्ट किया, फिर ऐसे दो नंबर्स लिए जिनके अंदर +5 का डिफरेंस है, फिर से हमने 70 को इंसर्ट किया। मतलब दो दो नंबर्स के बाद हम 70 70 70 जो है डाल रहे हैं इसके अंदर। गॉट इट? सो यहाँ पे 70 आपका करेक्ट आंसर आ जाता, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल लॉजिक है जो कि हम नंबर रैंडमली इंसर्ट कर रहे हैं 70 नाम का, दो दो नंबर्स के गैप के बाद। यही लॉजिक था, इसमें और कुछ लॉजिक है नहीं। चलो सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके। 72, 73, 74, ब्लैंक 75। यहाँ पे गैप है +4, यहाँ पे गैप इज अगेन ऑफ +4, +4 करके आंसर तो आ ही जाएगा। बट फिर से लॉजिक देखना, दूसरा वाला जो अल्टरनेटिव नंबर्स में है -3, -3, इन दोनों के अंदर भी -3 होने के बाद अगर नंबर करेक्ट जा रहा है तो आंसर आएगा 78। देखना 74 +4,
स्टूडेंट लॉजिक दो है यहाँ पे, एक अल्टरनेटिव मैनर में हम प्लस फोर और माइनस थ्री कर रहे हैं। एक बारी प्लस फोर माइनस थ्री, प्लस फोर माइनस थ्री, प्लस फोर माइनस थ्री, 74। प्लस फोर करोगे 78, 78 माइनस थ्री करोगे 75, मतलब लॉजिक करेक्ट जा रहा है। 78 इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा फास्ट फास्ट सॉल्व करना है क्योंकि अभी हमें लॉजिक जो है पकड़ में आ रही है। 83, 73, 93, 63, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। चलो सॉल्व कीजिए। पहले तो यहाँ पे गैप है 10 का, -10 करूँ 73 मिल रहा है। यहाँ पे 93 रैंडमली हमने डाल दिया एक नंबर, चलो 93 का लॉजिक समझ नहीं आया, 93 को साइड में रख देते। 63 -10 अगर मैं करूँ तो मुझे मिल रहा है 53, जो कि हमारा आंसर हो सकता है। फिर से हमने 93 को ऐसे रैंडमली ऐड कर दिया दो नंबर्स के गैप के बाद, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, दो नंबर्स के गैप के बाद हम एक नंबर डाल रहे थे रैंडमली। सो 93 को डाला, फिर से 93 को डाला। अगर नेक्स्ट नंबर पूछा जाता सो 43 -10 कर देते आप यहाँ पे, सो आपका आंसर आता 10। बट यहाँ पे 53 का क्वेश्चन पूछा है सो इसलिए 53 इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। चलो पॉज करना है एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। 1/9, 1/3, फिर दिया है 1 और फिर दिया है 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पॉज करना है एंड सॉल्व करना है। देखना, 1/9 इंटू अगर मैं 3 करूं तो मुझे मिल रहा है 1/3, जो कि नेक्स्ट नंबर है, मतलब इंटू 3 करके। नेक्स्ट नंबर 1/3 है, इंटू 3 करूँ तो मुझे मिल रहा है 1, जो कि अगेन नेक्स्ट नंबर है। सो 1 जो आ रहा है नेक्स्ट नंबर, उसको अगेन इंटू 3 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3, जो कि आपका आंसर रहेगा। और 3 × 3 करूँ तो मुझे 9 मिलेगा। लॉजिक इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वॉट, × 3। गॉट इट? सो आपका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 15-27। स्टूडेंट्स लॉजिक बहुत सिंपल है, नंबर डबल डबल रिपीट हो रहा है, 27 27, 39 39, यहाँ पे क्या आएगा 15 15, दो दो बार नंबर जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और हर एक नंबर के बीच में अगर मैं देखूँ और एक लॉजिक, तो 15 + 12 करो तो 27, 27 + 12 करो तो 39। सो +12 + 12 का तो गैप है ही, और फिर से नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, यही लॉजिक और कुछ नहीं। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज रॉन्ग इन द सीरीज। अभी ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क सॉल्व करोगे, ये थोड़ा सा अलग है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताओ। थोड़ा सा अलग है बट आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके इसका आंसर मुझे बताना है। ये लॉजिक तभी क्रैक होगा जब आप नंबर्स को आराम से देखोगे। ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 देखना, अगेन दो नंबर्स 33 रैंडमली आ गया, फिर दो नंबर्स, फिर 33 आ गया, फिर दो नंबर्स और 33। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन, आई थिंक ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है जहां पे आपको रॉन्ग नंबर बताना है। एक बारी मैं चेक करती हूँ, जस्ट लेट मी जस्ट क्रॉस चेक, तब तक आप सॉल्व करके देखो इसको। यस, यही है। अभी देखना 33 33 आ गया। अगर ये नंबर्स का बीच में देखूं 9 और 11 का, तो ये +2 हो रहा है। 13 में अगर 2 ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। सिमिलरली 17 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है क्या है, 19। सो 19 तो पहला मेरा आंसर हो गया, दूसरा आंसर क्या आएगा, 33। वाई? बिकॉज दो दो नंबर के बाद हम 33 को इंसर्ट कर रहे हैं, दो दो नंबर के बाद 33, फिर दो नंबर के बाद यहाँ पे आएगा 33। सो 19 एंड 33 इज द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना है क्योंकि दो नंबर्स पूछे हैं आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 8 14 सॉल्व कीजिए, पॉज करके फिर आंसर देखिए प्लीज, अ काइंड रिक्वेस्ट, तभी आपको एक सेशन में पूरा टॉपिक कवर हो सकता है। इसके अंदर अगर मैं +6 करूँ 8 मिल रहा है, 8 में +6 करूँ 14, 14 में +6 करूँ 20, 20 में +6 करूँ 26, मतलब लॉजिक क्या है, +6 का लॉजिक है 38 में +6 कर दो तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 44 मिलेगा। यस, सो 44 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर +6 करेंगे
तो आपको यहाँ पे मिलेगा 50। सो 44, 50 इज द आंसर। ठीक है, दो नंबर्स पूछे। क्वेश्चन नंबर 44, लास्ट कुछ 6 क्वेश्चंस बचे, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 और 25, और फिर 5, और फिर 21, और फिर 18, फिर 5। रैंडमली भी अगर आप देखोगे तो 5 5 दो दो नंबर के बाद इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, और 28 और 25 के अंदर अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली 21 और 18 में भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 14। सो 14 के बाद कौन सा नंबर आएगा? -3 करके ही आएगा, राइट? सो 11 विल बी दी आंसर, और उसके बाद 5 रैंडमली दो नंबर्स के बाद इंसर्ट हो रहा है, इसलिए 11 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। पॉज करके सॉल्व करना है, एंड देन लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर्स दिए जैसे कि 9, 12, 11, 14, 13, 16 एंड 15। ठीक है, अगेन वीडियो पॉज करनी है एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो जल्दी जल्दी देखना। 9, 12, 11, 14, 13, 16 एंड 15। लॉजिक इज अगेन ऑफ अगेन वेरी सिंपल। +3 -1, +3 -1, अगेन फिर से +3 -1। अल्टरनेटिव एडिशन सब्सट्रैक्शन सीरीज, जहां पे 15 के बाद जो नंबर आएगा दैट विल कम आफ्टर +3। सो 15 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं 18 आएगा, और 18 में से अगर एक माइनस करूं तो आएगा 17। सो यहाँ पे 18 और 17 ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखना। 46 भी बहुत ही ज्यादा अगेन सिंपल है। यहाँ पे भी अल्टरनेट एडिशन सीरीज हो रही है। जैसे कि देखो 10 और 20, इन दोनों के बीच में +10 का गैप है। ओके, 20 और 25 में +5 हो रहा है। यहाँ पे अगेन +10, यहाँ पे फिर से +5, +10 एंड +5। तो आंसर नेक्स्ट कैसे आएगा? +10 करके आएगा। सो 55 +10 65, और फिर से अगर नेक्स्ट नंबर देखना है तो +5 कीजिए 70। सो 65 एंड 70 ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। लास्ट के कुछ 4 क्वेश्चंस बचे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तब तक मैं एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले लेती हूँ। आप सॉल्व कीजिए। 110, 720, 13, 30 एंड 90। इस क्वेश्चन में नंबर्स जैसे कि 10, 20, 30 नंबर्स सिंपल है। इनटू टू, सॉरी, 10 प्लस 10 करूँ 20 आएगा, 20 प्लस 10 करूँ 30 आएगा। सो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 30 प्लस 10 करने के बाद 40। सो 40 तो फर्स्ट ऑप्शन आने वाला है, बाकी के पूरे ऑप्शंस जो यहाँ पे मैं डिलीट कर रही हूँ या फिर रिमूव आउट कर रही हूँ। 40 शुड बी द फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर्स के लिए लॉजिक क्या है? 1, 7, 13, 19, ये कौन से नंबर्स है? ये नंबर्स ऐसे है जहाँ पे +6 का गैप है। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 करो नेक्स्ट नंबर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 25 यहाँ पे सेकेंड नंबर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 40 40 31 31 22 22 13 13, तो आने वाला है ही, मतलब पहला नंबर 13 आएगा। बाकी के तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। बाकी के लिए लॉजिक क्या है देखना। अगर मैं देखूं 40 और 31 का गैप देखूं तो इनके अंदर गैप है 9 का। 31 और 22 का गैप देखो, इसके अंदर भी गैप है 9 का। एंड 22 एंड 13 का गैप देखो तो इसका भी गैप है 9 का। सो नेक्स्ट अपकमिंग नंबर कैसे आएगा? 13 13 13 13 के बाद अगर मैं 9 का गैप दू तो मुझे यहाँ पे गैप जो मिलने वाला है दैट इज 13 माइनस 9 कर दो। 13 माइनस 9 करने के बाद जो आपके पास 4 आ रहा है दैट विल बी योर नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज 4, 4। बट यहाँ पे पहला नंबर है 3, फिर आ रहा है 4, सॉरी 13, और फिर आ रहा है 4, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज ना होए, ऑप्शन नंबर लास्ट वन ई एंड ए के अंदर 13, 4 आपका आंसर आएगा। चलो लास्ट के दो क्वेश्चन। यहाँ पे 4, 8, 22, 12, 16, 22, 20, 24 दिया है। देखोगे यहाँ पे तो इजीली अगेन एक चीज समझ आएगी। दो दो नंबर्स के बाद रैंडमली 22 को इंसर्ट किया है। दो नंबर्स फिर 22, दो नंबर्स फिर 22, दो नंबर्स फिर से 22, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा ही आएगा।
यहाँ पे 22 नहीं है, यहाँ पे भी 22 पहला नंबर नहीं है, यहाँ पे भी पहला नंबर 22 नहीं है। सो सी या फिर ई में से तो ऑप्शन आएगा ही आएगा। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो 4 और 8, 4 और 8 ये दो अलग अलग नंबर्स है, 48 नहीं है, 4 और 8 है। 4 में अगर 4 ऐड करूँ तो 8 मिल रहा है, 12 में अगर 4 ऐड करूँ तो 16 मिल रहा है, 20 + 4 करूँ तो 24 मिल रहा है। सो ये नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? ये नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ पे मैं 4 ऐड करने के बाद, ठीक है? इसीलिए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर, समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग, नो, 28। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको ये एज अ होमवर्क मैं देती हूँ सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर एंड द वन जो मैंने आपको बताया था द मिसिंग सीरीज का, ये दो क्वेश्चंस आपको बताने। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस या फिर अभी सॉल्व करके पॉज करके देखिए एंड देन इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जरूर बताइए। एंड ऑफ द सीरीज स्टूडेंट्स, आई होप आपका जो पूरा टॉपिक है यहाँ पे मैंने अच्छे से कवर करवाया है। इसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर कॉमेंट में बताइए कि कैसे आपको टॉपिक समझ आया, किस तरीके से कुछ अपडेट करना हो या फिर कुछ चीज़ें आपके से मेरे से करवानी हो तो ज़रूर बताइए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, प्लीज़ प्लीज़ डू कॉमेंट पसंद आया तो। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय।